हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत जैन। आज जिस वीडियो को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वीडियो लेके आए हैं उसमें बेसिकली हम लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं फॉर आरआरबी जेई 2019 सीबीटी 2 एग्जाम, या यू कैन से स्टेज 2 सीबीटी एग्जाम। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट रिसेंटली सीबीटी 1 का आया है और आरआरबी ने ज्यादा टाइम नहीं दिया है सीबीटी 2 या स्टेज 2 एग्जाम के लिए, और हार्डली 15 डेज का डिफरेंस है और 15 डेज के बाद एग्जाम हो जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से प्रिपरेशन करके चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। तो अगर नहीं है तो अब रिमेनिंग डेज के अंदर हम क्या क्या चीजों को फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किन बुक्स को फोकस करना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि यहाँ पे आज मैं सिर्फ सिविल की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं तीनों ब्रांचेस यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑल थ्री स्ट्रीम्स की बात करूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे स्टेज 1 सीबीटी रिजल्ट मैंने हेडिंग ली हुई है। स्टेज 1 सीबीटी रिजल्ट को मैं जस्ट ब्रीफ में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि 13 अगस्त को हमारे पास रिजल्ट आया था ऑल आरआरबी जोन्स का, और जैसा कि आरआरबी ने कमिट किया था 15 टाइम्स कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे कुछ एक इश्यूज है स्टूडेंट्स के कि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पे जो 15 टाइम्स आरआरबी ने बोला है वो नहीं लिया है। दूसरा इशू ये भी है कि जो कट ऑफ है, सिंस कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है तो कट ऑफ सारे जोन्स के एक साथ जानी चाहिए थी या सारी तरह की वैकेंसीज की एक ही निकलनी चाहिए थी, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल अजमेर की कट ऑफ मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट कट ऑफ गई है आरआरबी के अंदर। सो ऐसा क्यों हुआ है, इन सब चीजों के लिए स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन है, उसके लिए वो कोर्ट को भी अप्रोच कर रहे हैं, आरआरबी को भी अप्रोच कर रहे हैं। इट में भी पॉसिबल कि रिट लगे, एग्जाम आ गया, एक्सटेंड हो, बट अभी हम आज यहाँ पे ये बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जो सीबीटी 1 में 2 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो अल्टीमेटली सीबीटी 2 के लिए जा रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम से, उनको अगर ड्यू टाइम पे एग्जाम होता है तो इन रिमेनिंग डेज के अंदर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 सीबीटी एग्जाम, ठीक, जैसा कि आरआरबी ने नोटिफाई किया 28 अगस्त से 1 सितंबर, यानी इन 5 दिनों के बीच में टोटल कितने डेज हो गए यहाँ पे, 5 डेज। इन 5 डेज के बीच में आपका स्टेज 2 एग्जाम होगा। स्टेज 2 एग्जाम के लिए जो टोटल आज की डेट से अगर हम देखें तो मैक्स मिनिमम 12 डेज, मैक्सिमम 15 डेज हमारे पास बचे। तो इस मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और फाइनली हम रिजल्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। उस चीज को डिस्कस करने के लिए एक यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लॉजिकल कंपैरिजन का एक टेबल बना है। ये जो कंपैरिजन कर रहा हूं मैं एग्जाम पैटर्न में, 2014-15 में जो एग्जाम हुआ था, 2014 दिसंबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पे अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ था 2015 में, और ये एग्जाम जो हम बात करें 2019 की, तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है, सो दैट कि हम प्रिपरेशन को जो 2014-15 के स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की थी उससे डिफरेंट हमको क्या करना है हमको ये पता लग सके। तो एक पॉइंट तो ये है कि वहां पे एक सिंगल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन आए थे, 60 नॉन टेक्निकल थे, 90 टेक्निकल थे। यहाँ एग्जाम 2019 में जो हो रहा है 2 स्टेजेस के अंदर हो रहा है। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वही 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 टेक्निकल है, तो पहले जो 90 थे उससे 10 टेक्निकल क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 10 डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। बट मेजर एक पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो ये है कि जो 90 क्वेश्चन वहां पे टेक्निकल थे, जिनको वहां पे टेक्निकल बोल रहे थे, उनमें सारी स्ट्रीम इंक्लूडेड थी। इट मीन्स वहां पे सिविल भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, इलेक्ट्रिकल भी थी, मैकेनिकल भी थी, आईटी भी थी, यानी 90 क्वेश्चंस के अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे थे। मतलब अगर एक स्टूडेंट अगर सिविल का एग्जाम देता है तो उसको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी करना है, मैकेनिकल भी करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी करना है, सारे करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस बार आरआरबी ने क्या डिफरेंस किया है कि यहाँ पे 100 जो टेक्निकल क्वेश्चन बोल रहे हैं उसमें एक सिंगल स्ट्रीम है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आप इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक डिफरेंस तो मेजर डिफरेंस ये है। टाइम सेम है, 120 मिनट्स वहां पे था, 120 वहां पे है, यहाँ 1/3 नेगेटिव है, सेम वहां पे है। दूसरा मेजर डिफरेंस यहाँ था कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर प्रीवियस किसी भी एग्जाम में आरआरबी में कभी अलाउड नहीं किया, लेकिन इस बार ये कैलकुलेटर को अलाउ कर रहे हैं,
वर्चुअल कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर। इट मींस ये है कि इस बार न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा एज वेल एज न्यूमेरिकल का लेवल टफ रहेगा, सो दैट कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इसी चीज में यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमने क्वेश्चन लेवल लिखा है यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, बट 2019 में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। इट मींस ये है कि 19 में जो क्वेश्चन लेवल रहेगा वो स्लाइटली टफर रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेट जैसा पैटर्न होगा, बट प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में टफ रहेगा। यहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था हमारा 2014-19 में वो अप्रोक्सीमेट 30-40% था, बट इस बार जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और बाकी सब लोग हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन 50-60% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, टाइम वही 120 मिनट है तो इसका मतलब कि आपको स्पीड ज्यादा मेंटेन करनी इतनी पड़ेगी। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं हर बार कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नॉन टेक्निकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें हर किसी का अपना अलग अलग व्यू है। टेक्निकल में हमारे पास आ रहे हैं 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल में आ रहे हैं 50 क्वेश्चन। अगर किसी का नॉन टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको नॉन टेक्निकल पे अच्छा फोकस करना चाहिए ताकि 50 की 50 क्वेश्चन अचीव करे, टेक्निकल में थोड़ा कम भी करेगा तो काम चलेगा। लेकिन किसी का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है तो उसको टेक्निकल में पूरा फोकस करे और नॉन टेक्निकल को जस्ट एक व्यू करे। बट फिर इस ये ऐसा एक जनरल ओपिनियन है, बट मैं इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। आपको दोनों पार्ट के ऊपर इक्वल फोकस करना है। इक्वल फोकस का मतलब है कि नॉन टेक्निकल पार्ट के ऊपर भी, टेक्निकल पार्ट के ऊपर भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन में अगर 10 घंटे पढ़ते तो 5 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़े, 5 घंटे टेक्निकल, ऐसा नहीं बोल रहा, बट क्वालिटी ऑफ नॉन टेक्निकल और क्वालिटी ऑफ टेक्निकल को इक्वली फोकस करना। कैसे, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट की, कि हमको नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, टाइटल भी ये, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट। देखिए, नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट फोर पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल 10 एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है जनरल अवेयरनेस, सिंस कि आप स्टेज वन के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ फोकस करिए, सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर डेली 45 मिनट। ठीक है, एक शेड्यूल बनाएंगे हम, उस शेड्यूल में सपोज आप दिन में 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं सिर्फ आरआरबी के लिए, उसमें 45 मिनट डेली आपको कहाँ रखना है, करंट अफेयर्स के लिए, राइट। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनको अलग अलग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर को फोकस रखिए क्योंकि आरबी जेई में स्टेज वन में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको अच्छा फोकस करना है क्योंकि इसके क्वेश्चन आप इजिली बना भी सकते हैं, तो इसको 60 मिनट्स डेली आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज होंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल को 15 मिनट्स, ठीक है ना। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीवियस ईयर्स, यहाँ पे भी लिखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो हमको प्रीवियस ईयर्स में जो आए क्वेश्चन है उनको ज्यादा फोकस करना है। बेसिक कंप्यूटर साइंस में भी 15 मिनट्स डेली और प्रीवियस ईयर, इन तीन सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एंड बेसिक कंप्यूटर में, हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मेजरली फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हमको करंट अफेयर्स को फोकस करना है। एंड यहाँ पे अगर हम सारा टाइम अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल टाइम हो रहा है 2 आवर 15 मिनट्स, यानी 2.25 घंटे हमको दिन में डेली सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट को फोकस करना है। और आई होप कि वो आपका उतना ही इक्वल हो जाएगा क्वालिटी वाइज जितना इक्वल आपका टेक्निकल पार्ट है, बट इसको रूटीनली मेंटेन करना है। ठीक है, अब हमको इसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। स्टडी मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत तरीके का अवेलेबल है, ठीक है ना, और आप लोगों को पता भी, आपने यूज भी किया, बट मेरे जो ओपिनियन है मैं आपको आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हम करंट अफेयर की हमने बात की थी जिसके लिए हमको कितना टाइम डिवोट करना था, 45 मिनट्स। 45 मिनट के लिए हमको आप इनमें से किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, या तो ल्यूसेन, स्पेक्ट्रम और पीडीएन प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी एक, तीनों नहीं कोई भी एक को आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट 12 से 15 दिन हम उसको फॉलो करेंगे, हर दिन 45 मिनट्स पढ़ेंगे और फाइनली हम उसको अचीव करेंगे। बट करंट अफेयर आपको ऐसा नहीं है कि एक साल का पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है लास्ट 6 मंथ का मैक्सिमम।
तो आप 6 महीने के लिए 6 मैगजीन्स या तो मंथली इनका सब्सक्रिप्शन ले आइए, या आपके पास हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली ले लीजिए, उसको रूटीन में 45 मिनट पढ़ते जाए। आपने स्टार्टिंग में जैसे आज 10 पेज पढ़े, कल 10 पेज, आप बिलीव रखिए ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरमेंट एंड कंप्यूटर्स के लिए मैं आपको अधीन पब्लिकेशन का नाम लूंगा। अधीन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी उन्होंने एमसीक्यू ऐड किए हुए हैं, उससे बाहर ये एग्जाम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन है, एसएससी के भी क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरमेंट और कंप्यूटर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही हैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक किसी सर्टेन बुक को फॉलो करें। तो आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस जो एमसीक्यू आए हुए एग्जाम में उनको कीजिए। दिन में टोटल टाइम कितना देना है, 45 मिनट ऊपर दे दिए, और इन सारे सब्जेक्ट के लिए कितना बचा, 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा हमारे पास बचा। 1.5 घंटा हमको इन सारे टॉपिक्स को जैसा जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है उसी हिसाब से आपको उतने उतने मिनट्स के हिसाब से पढ़ना है। अब आप अपने घर पे हर दिन का एक शेड्यूल बना के इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो 2 आवर्स 15 मिनट हमको नॉन टेक्निकल पार्ट डेली पढ़ना है, सोर्सेज मैंने आपको बताए इस तरीके से। अब रिमेनिंग हमारे पास जो 7 to 8 आवर्स बचता है दिन में पढ़ाई के लिए, उसको हमको टेक्निकल को देना है, क्योंकि टेक्निकल को ज्यादा टाइम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। बट टेक्निकल में भी हमको किन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर टेक्निकल पार्ट, राइट। यहाँ पे हम टेक्निकल पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ये जो स्लाइड है इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बुक एंड मटेरियल पहला पॉइंट, दूसरा टाइम। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा एज ए फैकल्टी मैं आप लोगों को एक चीज गाइड करना चाहता हूँ, पहले टाइम मैनेजमेंट की। सपोज आप दिन में 8 आवर्स देते हैं, आप 8 आवर्स एक सब्जेक्ट को मत दीजिए, उस 8 आवर्स में से आप 2 या 3 या 4 मैक्सिमम डिवीजन कर लीजिए कि मैं हर दिन 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दूंगा, और एक शेड्यूल बना लीजिए कि नेक्स्ट 12 से 15 दिन के अंदर अगर सपोज आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट है या 8 सब्जेक्ट है, उसको मैं हर सब्जेक्ट को एक एक स्लॉट बना लीजिए कितने दिन में खत्म करना है, ठीक। जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से, बुक्स की अभी हम बात करेंगे। तो पैरेलल सब्जेक्ट रखने का फायदा हमेशा ये होता है कि आपको ये नहीं लगता कि मैंने वो सब्जेक्ट 15 दिन पहले पढ़ा था आज मैं भूल गया। पैरेलल सब्जेक्ट चलेंगे तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा ये होता है कि एक वेरिएशन रहता है पढ़ाई के अंदर, तो अभी क्या एक मोनोटोनी सिचुएशन नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बुक और मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स को अभी टेक्स्ट बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो अगर आप जेबी गुप्ता से पढ़ते हैं, किसी भी तरह की बुक से पढ़ते हैं आप, या मैकेनिकल में जाते हैं खुरमी से पढ़ते हैं, या सिविल में जाते हैं तो कुछ खुरमी यूज करते हैं, गुप्ता यूज करते हैं, कुछ भी मटीरियल को आप यूज कर रहे हैं उस मटीरियल को आप अब सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है। आपको अब यहाँ पे पूरी रामायण नहीं पढ़नी है कि पूरी थ्योरी पढ़े इधर उसके क्वेश्चन निकाल रहे, इतना टाइम अब हमारे पास नहीं है। अब जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं अब वो रिवीजन मोड में है, जो लोग अब फ्रेश तैयारी कर रहे हैं वो उनके पास अब उस जो पहले जो लोग तैयारी कर चुके हैं उस वाला टाइम नहीं है। मतलब अब आपको पूरा थ्योरी पढ़ो फिर पोर्शन पढ़ो वो नहीं है, अब डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से लगाइए। जितने भी आप एमसीक्यू मैक्सिमम लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए उतने एमसीक्यू लगाइए डेली, कितने टाइम में 8 घंटे में, उसको 3-4 स्लॉट में डिवाइड करके, ठीक है। थोड़ी अगर ब्रांच वाइज बात कर रहे हैं तो देखिए सॉरी मैं हर ब्रांच में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस मतलब जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। अगर हम सिविल की बात कर रहे हैं, सिविल में ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएमसी प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बीएमसी मतलब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सीटी मतलब कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वे कोडर प्रोविजंस, कोडर प्रोविजंस ऑफ आरसीसी एंड स्टील, इन सबको मिला के टोटल जो वेटेज आएगा एग्जाम में 50% आएगा, राइट। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से करते हैं तो 50% डेफिनेटली कवर करेंगे। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिमेनिंग सब्जेक्ट नहीं करेंगे, बट इनके ऊपर फोकस ज्यादा रखना, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर फोकस इक्वल रखना है जितना थ्योरी के ऊपर रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पे ही फोकस ज्यादा रखें, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सब्जेक्ट नेटवर्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसको आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम,
तीनों को आपको डेफिनेटली मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है या ईडीसी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन सब्जेक्ट उन बाकी दो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों मेजर सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, हमको इसको डेप्थ में जाना है और अच्छे सारे एमसीक्यू इसके अंदर क्वालिटी एमसीक्यू को लगाना है। मैकेनिकल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैकेनिकल के अंदर हमारे पास तीन सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्मोडाइनमिक्स एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब पावर प्लांट हो गया आपका, ठीक, आरएसी हो गया एंड आईसी इंजन हो गया। फ्लूड मैकेनिक एफएमएल मशीन्स, मशीन्स के अंदर हमको टर्बाइन पंप दोनों देखने हैं। फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर हमको हाइड्रोस्टेटिक्स वाला पार्ट जो इनिशियल पार्ट है, प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर हमको उनकी इलास्टिक कॉन्स्टेंट, मटेरियल प्रॉपर्टी, सिलेंडर एंड जो कॉलम्स वगैरह, उनको पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये सिमिलर वे में जैसा कि मैंने पहले बोला, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में, सिविल में, ये सब्जेक्ट मोर देन 50% पार्ट कवर करेंगे या मिनिमम 50% तो पार्ट कवर करेंगे ही करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जितना भी डिस्कस किया है वो ऑल थ्री ब्रांचेस के लिए डिस्कस किया है। आप इन चीजों को थोड़ा सा अगर कंसिडर करके चलेंगे तो इट विल बी बेटर, आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वन मोर थिंग बिफोर लास्ट स्लाइड, कि जो एग्जाम के अंदर जो हमको एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था, मतलब बेसिक कंप्यूटर्स को हम बोल रहे थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था एक सब्जेक्ट था, ये जनरल अवेयरनेस का एक सब्जेक्ट था। तो मैं बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको कुछ पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ, सो दैट कि आप उनको रेफर कर सके। अगर आपके पास टाइम हो तो पहले उन पीडीएफ को आप क्वेश्चन कीजिएगा, देन आप उसके अलावा आपको पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, उसके अलावा फिर जो हमने यहाँ पे बुक्स डिस्कस की है, मैगजीन्स वगैरह, ल्यूसेंट हो या जो भी हो, अरियन पब्लिकेशन हो, उनको फिर वहां से डिस्कस कीजिएगा, बट पहले इन क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा, मतलब पढ़िएगा, ठीक है। और आरआरबी का एग्जाम आई होप कि आप लोगों का अच्छा हो, इसके लिए मेरी बेस्ट विशेस।